हे दोस्तों, Realme ने पिछले दिनों अपने बजट ट्रेंड सी सीरीज के तहत एक नए स्मार्टफोन Realme C11 को लॉन्च किया था। उसके बाद ही कंपनी ने यह ऐलान किया कि वे जल्द ही मार्केट में इस सीरीज के एक और बजट ट्रेंड स्मार्टफोन Realme C15 को लॉन्च करने वाली है। वही कंपनी ने ऑफिशियली तौर पर Realme C15 को इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है और यह कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 6000 mAh की बैटरी दी गई। साथ ही कम कीमत वाले इस स्मार्टफोन में यूज़र को शानदार कैमरा क्वालिटी और कई खास फीचर की सुविधा देखने को मिलेगी। वही Realme C15 की प्राइस और अवेलेबल की बात करें तो जो कि यह स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस 10,300 रुपये रखी गई है। इस प्राइस में आपको 3GB रैम और 64GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जबकि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो ये लगभग 11,300 रुपये देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 4GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो ये लगभग 12,900 रुपये रखी गई है। दोस्तों, वैसे इस फ़ोन को इंडिया में काफ़ी कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा। उसकी स्टार्टिंग प्राइस 8,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। कंपनी ने फिलहाल इसे इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है और वहाँ पर ये फ़ोन 29 जुलाई से सेल के लिए अवेलेबल किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अन्य देशों में इस फ़ोन को लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन लिस्ट की माने तो इस फ़ोन को जल्द ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा Realme C15 की फीचरिंग की बात करें तो यह स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित है। साथ ही Realme C15 में आपको MediaTek Helios G35 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। फ़ोन के स्टोरेज को यूजर MicroSD कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा इसमें 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ 6.5 इंच की HD+ की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वही कैमरा फीचर्स की बात करें तो जो कि Realme C15 के बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको 13 MP का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, साथ ही 2 MP के मैक्रो सेंसर और ब्लैक एंड वाइट सेंसर दिया गया है। वही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो इस फोन में आपको AI से लेस 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही पावर बैकअप की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 18W फास्ट चार्जिंग फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस फ़ोन को इंडिया लॉन्च को लेकर और प्राइस को लेकर कंपनी ने फिलहाल कोई जानकारी शेयर नहीं की है। वैसे लिस्ट की माने तो सितंबर तक के बीच में इस फ़ोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसकी प्राइस 8,500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।